पाकिस्तान के खिलाफ आया विराट कोहली और शुभमन गिल का तूफान, टीम इंडिया को दिलाई ऐतिहासिक जीत, पाकिस्तान के उड़ाए परकच्छे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप 2023 के महामुकाबले से पहले दोनों टीमों के बीच खेले गए वार्म अप मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए शुभमन गिल ने जहाँ शानदार शतक ठोका, तो वहीं पर विराट कोहली ने आखिरी ओवर में 24 रन बनाकर टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिला दी। तो दोस्तों, हम आपको इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी विराट कोहली और उनके साथ शुभमन गिल के इस शानदार परफॉर्मेंस से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने, लेकिन गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया पाकिस्तान की टीम को। दोनों टीमों के नेशनल एंथम के बाद शुरू हुआ आज का ये घमासान मुकाबला, जहां पर पाकिस्तान की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने उतरे इमाम उलक, तो उनके साथ थे अब्दुल्ला शफीक। दोनों बल्लेबाजों से कमाल की शुरुआत की उम्मीद यहां पर पाकिस्तान की टीम को जरूर थी, लेकिन आज के इस मुकाबले में भी उतनी अच्छी शुरुआत ये दोनों बल्लेबाज दे ना सके। वैसे अब्दुल्ला शफीक ने आते ही पहले ओवर में एक बेहतरीन चौका लगाया, लेकिन इसके बाद दोस्तों दूसरे ही ओवर में आज टीम इंडिया की तरफ से शार्दुल ठाकुर को गेंदबाजी सौंपी गई और उन्होंने पेवलियन भेज कर दिखाया यहाँ पर इमाम उलक को, जो कि इस मुकाबले में ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और चलते बने सिर्फ 3 रन बनाकर। और भारतीय टीम को शुरुआत में ही बड़ी सफलता मिल गई, जिसका उनको बेसब्री से इंतजार था। इसके बाद कप्तान बाबर आजम उतरे तो उन्होंने अब्दुल्ला शफीक के साथ मिलकर पावर प्ले के ओवरों को काफ़ी शानदार तरीके से खेला और दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए टीम के स्कोर को 55 रनों तक पहुँचाया। लेकिन इसके बाद दोस्तों टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी सौंपी गई कुलदीप यादव को, क्योंकि सामने थे उनके बाबर आजम, जो कि के सामने हमेशा से स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं। और ऐसा ही हुआ और 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने बाबर आजम को पेवलियन भेज दिया और टीम इंडिया को एक और महत्वपूर्ण सफलता दिला दी। इस मुकाबले में बाबर आजम 25 रन बनाकर चलते बने। इसके बाद एक बार फिर यहाँ पर सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी मोहम्मद रिजवान और अब्दुल्ला शफीक के ऊपर, लेकिन दोनों ने यहाँ पर एक बार फिर कमाल की पार्टनरशिप करनी शुरू कर दी। दोनों के बल्ले से एक से बेहतर एक बेहतरीन शॉट देखने को मिले। दोनों बल्लेबाजों ने टीम के स्कोर को 16वें ओवर में ही 100 रनों के पार पहुँचा दिया और अब पाकिस्तान की टीम बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर होती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि दोनों बल्लेबाज अब पूरी तरह से अपनी निगाहें जमा चुके थे। इसी दौरान दोस्तों यहाँ पर 18वें ओवर की चौथी गेंद पर भी एक बेहतरीन कट शॉट के जरिए 4 रनों के लिए मोहम्मद रिजवान ने गेंद को भेजा, तो वहीं पर इसके बाद 21वें ओवर में एक बेहतरीन छक्का अब्दुल्ला शफीक के बल्ले से भी देखने को मिला, जिसके साथ ही इन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों बल्लेबाजों की इस कमाल की बल्लेबाजी के दम पर अब शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 28 ओवर में 160 रनों के पार हो चुकी थी पाकिस्तान की टीम। लेकिन इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच इस सत्य की साझेदारी ने इस पूरे मुकाबले में टीम इंडिया को बैकफुट पर धकेलना शुरू कर दिया। वहीं पर दोस्तों मोहम्मद रिजवान और उनके साथ अब्दुल्ला शफीक दोनों बल्लेबाजों के कमाल के शतक और इसके बाद अंत में यहां पर इफ्तिकार अहमद की खेली हुई 16 गेंदों पर 42 रनों की पारी ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पाकिस्तान की टीम के स्कोर को बेहद ही बड़ा कर दिया और भारतीय टीम के सामने 362 रनों का लक्ष्य रखा पाकिस्तान की टीम ने और 361 रनों का जो स्कोर खड़ा किया। कमाल की बल्लेबाजी रही पाकिस्तान के बल्लेबाजों की, जहां एक समय लग रहा था कि ये टीम 250 रनों तक भी ना पहुंच पाएगी, लेकिन इसके बाद इस टीम ने 361 रनों का विशाल स्कोर खड़ा करने में कामयाब हुई। वहीं पर इसके बाद टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा जब पारी की शुरुआत करने उतरे तो उन्होंने पहले ओवर की तीसरी गेंद पर कमाल के छक्के के साथ आगाज किया, तो इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट कवर ड्राइव के जरिए लगाया और गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया। इसके बाद शुभमन गिल ने भी अपनी पारी का आगाज तीसरे ओवर की पहली गेंद पर किया, जब साइंस आफरीदी की गेंद पर उन्होंने गेंद को शानदार तरीके से फ्लिक करते हुए बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए भेज दिया। अब भारतीय टीम के दोनों बल्लेबाज भी कमाल की शुरुआत कर चुके थे और टीम का स्कोर भी अब तेजी से आगे बढ़ने लगा। इसी बीच दोस्तों इस पारी का 5वां ओवर लेकर आए साइंस आफरीदी के ओवर में और भी कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिली यहां पर शुभमन गिल के बल्ले से, और उन्होंने शानदार शॉट खेलते हुए एक स्ट्रेट ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए भेज दिया बाउंड्री लाइन के पार। इसके बाद तो उनका बल्ला रुकने वाला कहां था, एक के बाद एक बेहतरीन शॉट खेलकर 7वें ओवर में ही टीम इंडिया का स्कोर 50 रनों के पार पहुँचा दिया। दोनों बल्लेबाजों की इस कमाल की पार्टनरशिप ने अब टीम इंडिया के स्कोर को तो तेजी से आगे बढ़ाया, शानदार एक ठोस शुरुआत मिली। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर
रोहित ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का जड़ दिया। यह भी कमाल का शॉट था उनके बल्ले से निकला हुआ। इसके बाद एक बार फिर रोहित के बल्ले से 11वें ओवर में भी कुछ ऐसी ही बल्लेबाजी दिखने मिली, जब हारिस रॉफ की गेंद पर उन्होंने कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को पुल करते हुए 6 रनों के लिए भेज दिया डीप मिड विकेट की तरफ और यहां पर कमाल का छक्का जड़ा। अब भारतीय टीम का स्कोर धीरे धीरे 100 रनों की तरफ बढ़ रहा था, तभी दोस्तों रोहित के बल्ले से निकले एक और कमाल के छक्के ने उनकी पारी को और भी तेज़ी से आगे बढ़ा दिया। इस बार उन्होंने शादाब खान को निशाने पे लिया, जहाँ पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और कमाल का शॉट खेला और इस पर भी 6 रनों के साथ ही टीम इंडिया के 100 रन और साथ ही रोहित शर्मा का कमाल का अर्धशतक भी इस मुकाबले में पूरा हो गया। अर्धशतक के बाद भी रोहित के बल्ले से एक और शानदार कवर ड्राइव देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कमाल का शॉट खेलते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक शानदार छक्का यहाँ पर शुभमन गिल ने भी लगाया मोहम्मद नवाज की गेंद पर, लेकिन इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा को यहाँ पर LBW आउट करके पेवलियन भेजने में कामयाब हुए हारिस रॉफ और पहली सफलता मिल गई पाकिस्तान की टीम को। रोहित शर्मा शानदार 65 रनों की पारी खेलकर पेवलियन लौटे, लेकिन उनके आउट होने के बाद क्रीज पर उतरे विराट कोहली। विराट कोहली से एक बार फिर दमदार परफॉर्मेंस की उम्मीद थी और उन्होंने आते ही एक बेहतरीन कवर ड्राइव के जरिए अपनी पारी का शानदार आगाज करके दिखा दिया कि इस मुकाबले को वो पूरी तरह से पलटेंगे। इसके बाद दोस्तों यहां पर शुभमन गिल ने भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए कुछ बेहतरीन शॉट अपने बल्ले से दिखाए, जहां पर उनके बल्ले से निकले हुए एक कवर ड्राइव ने तो कमाल ही कर दिया। वहीं पर इसके बाद विराट भी कहां पीछे रहने वाले थे, उन्होंने भी एक पुल शॉट खेलते हुए गेंद को 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर शानदार अर्धशतकीय पारी पूरी कर चुके शुभमन गिल के बल्ले से एक और कमाल का छक्का देखने को मिला। इस बार भी उन्होंने गेंद को सामने की तरफ ही मारा और सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। कमाल की बल्लेबाजी उनकी जारी थी। इसके बाद विराट कोहली भी दूसरे छोर से कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। अब टीम इंडिया का स्कोर 30 ओवर की समाप्ति के बाद 200 रनों के पार पहुँच चुका था। दोनों बल्लेबाज कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे और लग रहा था कि टीम इंडिया इस मुकाबले में बड़ी आसानी से जीत की तरफ बढ़ेगी और इसका परिणाम 31वें ओवर में एक और शानदार चौका लगाकर विराट कोहली ने भी कंफर्म कर दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों शुभमन गिल की दमदार बल्लेबाजी जारी थी और उन्होंने 35वें ओवर में भी कमाल का छक्का जड़ा। इसके बाद इसी ओवर में भी वो अपने शतक के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, यानी कि सिर्फ 4 रन दूर थे अपने शतक से और उन्होंने ये कमाल भी करके दिखाया, जहाँ पर एक बेहतरीन पुल शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के साथ बाउंड्री लाइन के पार भेज कर 36वें ओवर में कमाल की बल्लेबाजी व कमाल की वापसी करते हुए अपना बेहतरीन शतक पूरा कर दिया और टीम इंडिया को भी जीत की तरफ आगे बढ़ा दिया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसके बाद शुभमन गिल के रूप में टीम इंडिया को एक और झटका लगा, जो कि 107 रनों की पारी खेलकर पेवलियन लौटे, लेकिन उनके आउट होने के बाद भी टीम इंडिया को मुकाबला जीतने के लिए अभी भी 140 रनों की जरूरत थी, यानी कि अब बेहतरीन परफॉर्मेंस की जरूरत थी। लेकिन इसी बीच सरेश अय्यर आए तो उन्होंने एक और शानदार चौका लगाकर शानदार शुरुआत कर दी अपनी पारी की भी, लेकिन इसके बाद विराट कोहली ने भी उनके साथ मिलकर शानदार 30 रनों की पार्टनरशिप पूरी कर डाली। लेकिन तभी दोस्तों टीम इंडिया को एक और झटका यहाँ पर लगा। यहाँ पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन अपना विकेट गंवा बैठे सरेश अय्यर इस मुकाबले में भी 17 रन बनाकर ही चलते बने। वहीं पर सरेश अय्यर की विकेट पाकिस्तान की टीम के लिए यहां पर सबसे महत्वपूर्ण विकेट हो सकती थी इस मुकाबले में, क्योंकि जिस समय वो आउट हुए अब टीम इंडिया को तेज़ी से रन भी बनाने थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों क्रीज पर उतरे KL राहुल तो विराट के साथ अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी इन्हीं दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर एक बार फिर आ गई थी टीम इंडिया की जीत की। लेकिन दोस्तों इस बार भी कमाल किया दोनों बल्लेबाजों ने और शानदार बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। इस दौरान KL राहुल के बल्ले से कमाल का कट शॉट खेल देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा तो उसके बाद एक स्लॉग स्वीप के जरिए भी गेंद को 4 रनों के लिए वो बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए। टीम इंडिया का स्कोर अब शानदार बल्लेबाजी करते हुए 261 रनों तक पहुंच चुका था 40 ओवर की समाप्ति के बाद, लेकिन अब बचे हुए आखिरी 10 ओवर में 101 रनों की जरूरत टीम इंडिया को थी। तभी दोस्तों 41वें ओवर में शानदार परफॉर्मेंस करते हुए एक और स्वीप के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए KL राहुल ने बाउंड्री लाइन के पार भेजा तो इसके बाद विराट ने भी एक कवर ड्राइव के जरिए गेंद को 4 रनों के लिए बाहर भेजा बाउंड्री के। साइंसा अफरीदी की गेंद पर कमाल का शॉट देखने को मिला उनके बल्ले से। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों इफ्तिकार अहमद की गेंद पर भी कमाल का शॉट खेलते हुए KL राहुल ने गेंद को सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया।
वहीं पर दोस्तों अब दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन इसके बाद विराट कोहली ने अपना दमदार रूप दिखाना शुरू किया तो यहीं पर केएल राहुल ने भी उनके साथ एक कमाल का शॉट खेला और ये कमाल का शॉट उन्होंने मोहम्मद नवाज की गेंद पर खेला, जब गेंद को सीधे उन्होंने मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेज कर बेहतरीन छक्का जड़ दिया। ये कमाल का शॉट था और यूं कहें तो एक देखने लायक शॉट रहा, जिस पर 6 रन उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार भेज दिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर पाकिस्तान की टीम ने धीरे धीरे वापसी करनी शुरू की, लेकिन इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए 47वें ओवर में विराट कोहली ने एक कमाल के छक्के के साथ ही अपना कमाल का शतक भी पूरा कर लिया। कमाल की बल्लेबाजी रही इनकी और 101 गेंदों पर ये शतक तक पहुंच गए और भारतीय टीम की जीत के लिए सबसे बड़ी गारंटी बनकर मैदान पर खड़े हुए थे विराट कोहली। शतक के बाद तो उनसे ही उम्मीद थी कि अब वो आखिरी 3 ओवर में टीम इंडिया के लिए बचे हुए, तभी दोस्तों भारतीय टीम के लिए 48 ओवर अच्छा नहीं रहा और इस ओवर में सिर्फ 5 ही रन बने। इसके बाद अब 37 रनों की जरूरत थी आखिरी 2 ओवर में, लेकिन यहाँ पर 49वें ओवर में केएल राहुल के बल्ले से एक कमाल का छक्का देखने को मिला। तो इसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने भी इस ओवर में अच्छी बल्लेबाजी की, जिसके चलते यहाँ पर लग रहा था कि शुरुआती 4 गेंदों पर 13 रन बनने के बाद टीम इंडिया इस मुकाबले में पूरी तरह से पकड़ बना लेगी आखिरी 2 गेंदों पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आखिरी 2 गेंदें यहाँ पर डॉट निकालने में कामयाब हुए शानदार गेंदबाजी करते हुए हसन अली। लेकिन दोस्तों वहीं पर टीम इंडिया को अब आखिरी ओवर में मुकाबला जीतने के लिए 24 रनों की जरूरत थी और पाकिस्तान की टीम की तरफ से सबसे खतरनाक गेंदबाज हारिस रॉफ को इस मुकाबले के इस आखिरी ओवर में गेंदबाजी सौंपी पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की तरफ से। हारिस रॉफ जिस प्रकार की आक्रामक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने पहली गेंद कुछ ऐसी ही डाली, लेकिन इस पहली गेंद पर कमाल का छक्का स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेलने में कामयाब हुए विराट कोहली और गेंद को सीधा स्टैंड में डिपोजिट कर दिया और बेहतरीन छक्का जड़ दिया। अब दोस्तों भारतीय टीम को जीत के लिए 18 रन चाहिए थे 5 गेंदों पर बची हुई, तभी दोस्तों दूसरी गेंद एक बार फिर शॉर्ट गेंद डाली और इस पर भी कमाल का शॉट विराट के बल्ले से देखने को मिला और इस बार हारिस रॉफ की गेंद को उन्होंने 4 रनों के लिए मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। 2 गेंदों पर 10 रन आ चुके थे, बची हुई 4 गेंदों पर 14 रन चाहिए थे, लेकिन तभी तीसरी गेंद यहाँ पर काफ़ी शानदार डाली, जिस पर विराट कोहली सिर्फ 1 ही रन ले पाए। अब बची हुई 3 गेंदों पर 13 रन चाहिए थे, अब स्ट्राइक पर आ चुके थे केएल राहुल, लेकिन दोस्तों राहुल ने भी कमाल का शॉट खेला और यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को सीधे 6 रनों के लिए स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। अब भारतीय टीम को बची हुई 2 गेंदों पर 7 रनों की जरूरत थी, तभी केएल राहुल एक कलात्मक शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर वो कामयाब नहीं हुए और सिर्फ 1 ही रन उन्हें मिला। अब आखिरी गेंद पर टीम इंडिया को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे, लेकिन ये कमाल किया विराट कोहली ने, एक लो फुल टॉस गेंद यहां पर डाल दी हारिस रॉफ ने, जिसको विराट कोहली ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस बेहद ही शानदार व रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया को शानदार जीत दिला दी और पाकिस्तान की टीम आखिरी ओवर में एक जीता हुआ मुकाबला हार गई। तो दोस्तों आपको ये मुकाबला कैसा लगा हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।